कोई किसी लोक में बैठा बैठा हुआ जैसे पर्दे के पीछे बैठ करके पुतलियों को नचाता है ना, पर्दे के पीछे बैठ करके क्या करता है उंगलियों के द्वारा। तो कोई हम जीवों को नचाने वाला कोई परमात्मा किसी लोक में बैठा हुआ जो नचा रहा है, ऐसा है क्या? क्या है ये तमाशा? और ऐसा तमाशा है कि व्यक्ति उलझा रहता है, इस संसार में आता कुछ कर सकता है मनुष्य? क्या कुछ कर सकता है? पर इसको तो खाने पीने ओढ़ने पहनने बिछाने दिखाने इन सब से ही फुर्सत नहीं मिल पाती, इन सब में ही उलझा रहता है। बच्चा पैदा होता है, विद्यालय जाता है, माता पिता शायद पैदा होने से भी पहले ही सपने देखते हैं उसके लिए, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मास्टर बनेगा, सपने भी देखते हैं, आशा भी करते हैं, अपेक्षा भी रखते हैं, वो लग जाता है उसी काम, उलझ जाता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, समझने लगता है, कोई निश्चय कर लेता है, मेरे को तो इंजीनियर बनना। अब बेचारा परिश्रम करता है, बड़ी मेहनत करता है, इधर उधर भटकता है, इंजीनियर बनना बड़ा कंपटीशन है, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, जैसे तैसे करके इंजीनियर बन जाता है। उसके पश्चात नौकरी ढूंढता है, हाथ पैर मारता है, जैसे तैसे नौकरी मिल जाती है, फिर कमाई शुरू हो गई तो माता पिता उसका घर बसाने की सोचते हैं, विवाह के लिए इधर उधर हाथ पैर मारे जाते हैं, विवाह कर दिया जाता है। उसके पश्चात अब वो सर्विस करता है, परिवार संभालता है, वो भी अपने बच्चे के लिए सपने देखता है और उसके लिए साधन जुटाता है, उसको अच्छे स्कूलों में पढ़ाता है, उससे भी आशा करता है कि ये भी कुछ कर ले, ना कर पाए तो दुखी होता है। कहने का भाव है ना तो पिता ने कुछ किया था, ना बेटे ने कुछ किया है और ना पोता ही कुछ करेगा, इतना ही करेगी जितनी कहानी मैंने
वही तो यही कहानी संसार है। संसार क्या है? यही कहानी कहते हैं ना, मनुष्य ने क्या किया, आपके माता पिता ने आपको बड़ा कर दिया, आप अपने बच्चों को बड़ा कर देते हो, आपके बच्चे अपने बच्चों को बड़ा कर देते हैं, इतना ही काम बस।